हे गाइस, इट्स मी ज्योत्सना। वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश इंग्लिश। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हम सेंटेंसेस करेंगे, जैसे कि आप बोलते हो कि दो सेंटेंसेस इकट्ठे, जैसे आप कहते हो कूदो मत बैठ जाओ, इसे ऑन मत करो ऑफ कर दो, ऐसे वाले सेंटेंसेस। और दूसरे पार्ट में जो हम करेंगे वो है कि आप क्या बोर नहीं हो जाते बार बार वही इंग्लिश बोल बोल के रिपीट सेंटेंसेस, तो हम इम्प्रेसिव वे से हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, दूसरा पार्ट उस पर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप बोलते हो इस ऐसे मत करो वैसे करो ऐसे वाले, तो उनके लिए एक रूल है, पहले हम डोंट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम एक पॉज देते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इट मी हेयर देयर वॉट एवर जो आप चाहते हो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आप वो लगाते हो। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है फेंको मत पकड़ो। कई बार आप बच्चों को ही बोलते हो कि इस चीज़ को फेंक मत पकड़ ले, तो हम बोलेंगे डोंट थ्रो कैच इट, डोंट थ्रो कैच इट। और अगर अब आपने इसको ऐसे बोलना है पकड़ो मत फेंको, तो आप बोलोगे डोंट कैच थ्रो इट, डोंट कैच थ्रो इट। नेक्स्ट है कि आप कई बार बोलते लटकाओ मत रख दो, तो उसके लिए डोंट हैंग कीप इट, डोंट हैंग कीप इट। नेक्स्ट है आप बोलते हो गिराओ नहीं पकड़े रहो, तो उसके लिए डोंट ड्रॉप होल्ड इट, डोंट ड्रॉप होल्ड इट। बंद मत करो खोलो कोई भी चीज, जैसे डोर या कोई बोतल या कुछ, डोंट क्लोज, अगर डोर है तो शट भी लगा सकते हो, डोंट क्लोज ओपन इट, डोंट शट ओपन इट। बचाओ मत खर्चो मनी, तो उसके लिए डोंट सेव स्पेंड इट, डोंट सेव स्पेंड इट। उल्टा भी आप बना सकते हो इसी तरह से। अब है कई बार बोलते हो कि इसे दिखाओ नहीं छिपा लो, कोई चीज आप कहना चाहते हो बच्चे को ही कि इसको सबको मत दिखा छिपा ले, तो डोंट शो हाइड इट, डोंट शो हाइड इट। हम कई बार बोलते हैं बच्चे मान लीजिए लाइट ही जगाते हैं बार बार, तो आप बोलते हो कि लाइट मत जलाओ बंद करो, उसके लिए बोलेंगे डोंट स्विच ऑन स्विच इट ऑफ, डोंट स्विच ऑन स्विच इट ऑफ। आपने देखा होगा कि इन सारे सेंटेंसेस में मैंने दो दो बार इट का यूज नहीं किया, इट का यूज हमने एक बार ही किया। नेक्स्ट है इनकार मत करो रख लो, मतलब कोई चीज आपको दी जाती है आप कहते हो कि नहीं नहीं मैंने नहीं लेनी, तो आपको बोला था यार मना मत कर रख ले, तो डोंट रिफ्यूज एक्सेप्ट इट, डोंट रिफ्यूज एक्सेप्ट इट। आप बोलते हो यहाँ मत आओ वहां जाओ, तो उसके लिए हम बोलेंगे डोंट कम हेयर गो देयर, डोंट कम हेयर गो देयर। कूदो नहीं बैठ जाओ, डोंट जंप सिट डाउन, डोंट जंप सिट डाउन। इसी तरह से आप बोलते हो भूलना नहीं याद रखना, तो उसके लिए हम बोलेंगे डोंट फॉरगेट रिमेंबर, डोंट फॉरगेट रिमेंबर। कई बार आप बोलते ऊंघो मत जागते रहो, मतलब नींद आ रही है बच्चे को आपके, तो ऊंघ मत जागता रहे, तो डोंट स्लीप बी अवेक, डोंट स्लीप बी अवेक। इसी को अगर आपने उल्टा बोलना है कि जागते मत रहो सो जाओ, तो डोंट बी अवेक स्लीप नाउ, डोंट बी अवेक स्लीप नाउ। डरो मत बहादुर बनो, डोंट अफ्रेड बी ब्रेव। अब यहाँ पे हम ये नहीं लगा देंगे डोंट बी अफ्रेड बी ब्रेव, हम इसमें भी बी का यूज सिर्फ एक बार ही करेंगे, तो हम बोलेंगे डोंट अफ्रेड बी ब्रेव। नेक्स्ट है शोर मत मचाओ चुप रहो, तो उसे बोलने के लिए आप बोल सकते हो डोंट मेक अ नॉइस कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइस कीप क्वाइट, या फिर डोंट बी नॉइजी कीप क्वाइट, डोंट बी नॉइजी कीप क्वाइट।
मूविंग ऑन टू पार्ट टू, जिसमें होने वाली है थोड़ी सी सिंपल इंग्लिश से इंटरेस्टिंग इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज सिट हियर। आप ऐसे तो बोलते ही हो, तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज पार्क योर सेल्फ हियर, प्लीज पार्क योर सेल्फ हियर। अब हम बोलते हैं चलो नाचे, तो सिंपली उसको बोलेंगे लेट्स डांस, लेट्स डांस। और अगर थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना है यार, तो बोलो लेट्स डू द बूगी वूगी, लेट्स डू द बूगी वूगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने ये सब नहीं किया। बहुत बार आप बोलते होगे आई डिडन डू ऑल दिस, आई डिडन डू ऑल दिस। और इसी को थोड़ा सा स्टाइलिश वे में बोलने के लिए बोलिए आई डिड नो सच थिंग्स, आई डिड नो सच थिंग। संक्षेप में, संक्षेप में को आप लगाते हो किसी भी सेंटेंस से पहले, तो आप बोलते इन ब्रीफ या फिर इन शॉर्ट। थोड़ा सा इम्प्रेसिव हुआ जाए तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। नेक्स्ट है, अब हालात बदल गए हैं, तो उसे हम बोलेंगे थिंग्स आर नाउ डिफरेंट, थिंग्स आर नाउ डिफरेंट। और इसी को थोड़ा सा स्टाइलिश बोलने के लिए बोलिए टाइम्स हैव टेकन अ टर्न, टाइम्स हैव टेकन अ टर्न। आप कई बार बोलते हो, आपसे पूछा जाता है काम कितना हो गया, आपके तो लगभग खत्म ही है, वर्क इज ऑलमोस्ट ओवर। या फिर आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट की जगह पे नियरली वर्ड यूज करके, वर्क इज नियरली ओवर, वर्क इज नियरली ओवर। एक सिंपल सा सेंटेंस, आप किसी को बता रहे हो कि वह अध्यापक है, तो आप सिंपल क्या बोलोगे, ही इज अ टीचर। ये तो हम सबको ही आता है, इसको और किस तरह से बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हिज जॉब इज ऑफ टीचिंग, हिज जॉब इज ऑफ टीचिंग। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ही इज इन टू टीचिंग, ही इज इन टू टीचिंग। वह दुकानदार है, ही इज अ शॉपकीपर, ही इज अ शॉपकीपर। या फिर ही ओन्स अ शॉप, ही ओन्स अ शॉप। या फिर ही लुक्स आफ्टर अ शॉप, ही लुक्स आफ्टर अ शॉप। तुम चिल्ला क्यों रहे हो, वाई आर यू शाउटिंग, वाई आर यू शाउटिंग। या फिर वाई आर यू येलिंग, वाई आर यू येलिंग। या फिर वाई आर यू स्क्रीमिंग, वाई आर यू स्क्रीमिंग। आप कई बार बोलते हो कि अब मैं और नहीं खा सकता, मतलब अभी आपको कोई बहुत ज्यादा खिला रहा है कोई चीज, आपको तो ये नहीं बस 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 बस, तो आई कांट टेक एनी मोर ऑफ दिस, या आई कांट ईट एनी मोर ऑफ दिस। ये तो हो गई एक सिंपल सी इंग्लिश। थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं, आप बोल सकते हो आई कांट स्टमक एनी मोर ऑफ दिस, आई कांट स्टमक एनी मोर ऑफ दिस। नेक्स्ट है, उससे सावधान रहना। उससे सावधान रहना के लिए हम बोलेंगे बी केयरफुल ऑफ हिम, बी केयरफुल ऑफ हिम। या फिर आप बोल सकते हो बी वेरी ऑफ हिम, बी वेरी ऑफ हिम। कई बार आप लोग डिस्कस करते हो कोई काम, और एक क्वेश्चन जो होता है कि पर ये करेगा कौन, कोई डिफिकल्ट टास्क हो तो उसके लिए बट हु विल डू इट, बट हु विल डू इट। ये तो एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक कर ही जाएगी। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो बट हु विल डू द ऑनर्स, बट हु विल डू द ऑनर्स। या फिर बट हु इज गोइंग टू डू इट, बट हु इज गोइंग टू डू इट। हमने विल को हटा के इज गोइंग टू यूज कर लिया यहाँ पे। कई बार आप बोलते हैं कम ऑन यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई विल नॉट टेल एनी वन, या आई वॉन्ट टेल एनी वन।
ये तो होगी सिंपल, या फिर आप इसको राज की बात है आप नहीं बताओगे तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई विल नॉट स्पिल द बीन्स, या फिर आई वॉन्ट स्पिल द बीन्स। कई बार आप बोलते हो कि पहले बताना चाहिए था ना, ये डायलॉग बहुत बोलते हो आप बहुत बार बार, तो उसके लिए हम बोलेंगे यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड बिफोर, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड बिफोर, या यू शुड हैव साउंडेड आउट अर्लियर। अगर आपने मुझे लगाना है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यू शुड हैव साउंडेड मी आउट अर्लियर, यू शुड हैव साउंडेड आउट अर्लियर, या फिर यू शुड हैव साउंडेड मी आउट अर्लियर। आप जब कभी शॉपिंग पे जाते हो, कई बार आपके पास बहुत ही कम पैसे बचे होते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं, तो हम उसके लिए बोलेंगे आई हैव वेरी लिटिल कैश लेफ्ट, आई हैव वेरी लिटिल कैश लेफ्ट, या फिर इसे बोलने के लिए आप बोल सकते हो माई मनी इज रनिंग लो, माई मनी इज रनिंग लो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आप तो कमाल के हैं, या आपका जवाब नहीं, तो सिंपल बोलने के लिए आप बोल सकते हो यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, या फिर इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बोलने के लिए आप बोल सकते हो यू टेक वंस ब्रेथ अवे, यू टेक वंस ब्रेथ अवे। नेक्स्ट है क्या यह करना जरूरी है, इसके लिए हम बोलेंगे इज इट नेसेसरी टू डू दिस, दिस ऑप्शनल है आपको लगाना है कि नहीं, इज इट नेसेसरी टू डू भी ठीक है, या फिर इज इट नेसेसरी टू डू दिस। नेसेसरी के लिए अगर आप एक और वर्ड जो आप यूज कर सकते हो वो है पर्टिनेंट, इज इट पर्टिनेंट टू डू, या इज इट पर्टिनेंट टू डू दिस। तो समस्या यहाँ पर है, कई बार आप ऐसे बोलते हो सिंपली तो इसको बोल देंगे सो द प्रॉब्लम इज हियर, अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो दिस इज वेयर इट हर्ट्स, दिस इज वेयर इट हर्ट्स, या फिर इसे बोलने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट्स वेयर द शू पिंचेस, दैट्स वेयर द शू पिंचेस। आप बोलते हो मैंने बार बार उल्टी की, तो हम बोलते हैं आई वॉमिटेड रिपीटेडली, आई वॉमिटेड रिपीटेडली। उल्टी की इंग्लिश वॉमिट होती है, ये तो सबको ही पता है, बट आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो आई प्यूक्ड रिपीटेडली, आई प्यूक्ड रिपीटेडली। तो गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।